हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला पनीर अंगारे की सब्जी बनने वाली है। अगर आप ऑर्डिनरी पनीर की सब्जी खा खा के हो गए बोर, तो इस तरीके की ये स्मोकी पनीर बनाएं। इसकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली सब्जी बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने एक कढ़ाई ली और 3 टेबल स्पून जितना मैंने मेल्टेड घी लिया है। इसके अंदर कुछ खड़े मसाले लिए मैंने, 2 तेज़पत्ता, 2 ग्रीन इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 3-4 काली मिर्च लिए हैं। और घी गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने इनको डाल दिया है। मसाले हल्के से रोस्ट होते हैं तब तक मैंने यहाँ पर प्यूरी तैयार करके रखी है, जो कि मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर और हरी मिर्ची डाल के प्यूरी तैयार कर ली है। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर मैं 15 से 20 किशमिश डाल ली। इसको भी अपन हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं जब तक ये फूले नहीं तब तक। अब जो अपन ने प्यूरी तैयार करके रखी है ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने प्यूरी इसके अंदर डाल दी है। अब अपने को इसको मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो तब तक। ग्रेवी कुक होती है तब तक अब मैंने साइड बाय साइड 1/2 कटोरी दूध लिया और 2-3 टेबल स्पून काजू टुकड़ी और 2-3 टेबल स्पून ही मैंने खरबूजे के बीज लिए। इनको सोख होने देते हैं। अब अपन ग्रेवी देख लेते हैं। ग्रेवी को कुक होते हुए भी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये घी सेपरेट कर चुकी है। इसमें मसाले डाल देते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर ले रही हूँ। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना नमक डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से अपन मिक्स कर लेते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने काजू और खरबूजे के बीज का पेस्ट तैयार कर लिया। 1/2 कटोरी दूध और डाला था मैंने और ये 1 कप लगभग ये पूरा पेस्ट तैयार हुआ है। ये भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1/2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। ये काजू और मगज डालने से ग्रेवी बहुत रिच और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं 1 कटोरी फुल भर कर इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी को ढककर पकने देते हैं। तब तक हम पनीर देखते हैं। मैंने यहाँ पर 270 ग्राम पनीर लिया, उसको कट कर लिया है। अब जो अपनी ग्रेवी को कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, जो पनीर कट करके रखा है ये इसके अंदर अपन डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पनीर की सब्जी को और टेस्टी और रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो घर पे दूध पे मलाई आती है वो मैंने 2 टेबल स्पून लगभग मलाई ली है। और सारे मसाले बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितनी चीनी ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून जितना कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी फुल भर कर यहाँ पर पानी डाला है और इसको ढककर कुक होने देते। 5 से 7 मिनट कुक हुआ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया और बहुत ही रिच सब्जी लग रही है। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोयला लिया है। अब कोयले को जलाने के लिए मैंने इसको गैस पर रख दिया है। इसको अपन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको जलने में, ये जल्दी ही लाल हो जाएगा। देख सकते हैं ये अपना लाल होने लगा है। और अब मैं इसको गैस ऑफ करके कटोरी में ले लेती हूँ। मैंने कटोरी में ले लिया और अपनी सब्जी है उसके अंदर रख दिया इस कटोरी में डालकर। अब मैंने ऊपर से कुछ 5 से 7 ड्रॉप घी की डाली और फटाफट इसको ढक्कन लगा दिया। अब इससे क्या होगा, अपनी ग्रेवी में स्मोकी फ्लेवर आया जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अपनी सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने की। इस कटोरी को हटा देते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ धनिया पत्ती डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अंगारे की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जो ग्रेवी होती है वही स्पेशल होती है क्योंकि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर होता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।